डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप और तुरंत पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। हर हर महादेव। जरा सोचिए, अगर आपको ये पता चल जाए कि अमुक व्यक्ति के जरिए आपको कुछ चीजें मिलने वाली हैं, ये चीजें कौन सी होंगी? सौंदर्य, वैभव, ऐश्वर्य, खूब सारी लग्जरी, तो क्या करेंगे आप? दो सवाल निकलेंगे आपके जहन में। आपका पहला सवाल होगा कि वो है कौन और मिलेगा कहाँ, और दूसरा सवाल होगा कि ऐसा क्या करना होगा जिससे वो ये सारी सुख सुविधाएं हमें दे दे। तो पहले सवाल का जवाब सुनिए। पहले सवाल का जवाब है, शुक्र है वो ग्रह जो आपकी कुंडली में मौजूद है और 4 अक्टूबर को अपने ही घर तुला में गोचर करने वाला है। शुक्र ग्रह 4 अक्टूबर 2019, नोट कर लीजिए, शुक्र ग्रह 4 अक्टूबर 2019 शुक्रवार की सुबह 4:56 पे कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में गोचर करेगा और 28 अक्टूबर 2019 तक यहां रहने वाला है। सोमवार को सुबह 8:12 तक इसी राशि में स्थित होगा। और आपके दूसरे सवाल का जवाब है कि आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के शुक्र से शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए, कई दफे लोग मुझसे पूछते हैं कि देने वाला तो ईश्वर है, फिर ग्रह व्रह की क्या बिसात है? देने वाला बेशक ईश्वर है, पर जरिया बनाया है इन ग्रहों को। इसे और आसानी से आप समझिए। अगर आपको राशन लाना होता है तो क्या आप पूजा स्थल पर बैठकर जाप करने लगते हैं? नहीं करते होंगे। और आप राशन की दुकान पर जाते हैं और राशन खरीद कर लाते हैं। ठीक वैसे ही सृष्टि चलाना ईश्वर का काम है, पर अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी उन्होंने अलग अलग ग्रहों को दे दी है और यही ग्रह आपकी राशियों के अनुसार आपको फल देते हैं। शुक्र का गोचर आपके लिए क्या लेकर आया है बताऊंगी, पर शुक्र को का गोचर फल को समझने से पहले एकदम संक्षेप में शुक्र का इतिहास और भूगोल समझ लीजिए, मजा आएगा आपको और कुछ ज्ञान भी बढ़ जाएगा। पुराणों के जमाने में चलते हैं। पुराणों के अनुसार कहानी ऐसी है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे भृगु ऋषि। भृगु ऋषि के कई पुत्र हुए जिनमें से एक पुत्र का नाम था कवि। यही कवि कालांतर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य नाम से प्रसिद्ध हुए। इनको शुक्र नाम कैसे मिला और कब मिला, इस विषय में वामन पुराण में विस्तार से बताया गया है। कभी फुर्सत में हो तो पढ़िएगा जरूर, आपको वेद पुराण पढ़ने चाहिए, किसी भी दूसरी नॉवेल या किताबों से ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं ये हमारे वेद पुराण। खैर, फिलहाल शुक्राचार्य की कहानी सुन लीजिए। दानवराज अंधकासुर और महादेव के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। अंधक के वीर सेनानी युद्ध में मारे जा रहे थे, लेकिन दैत्य गुरु कवि अपनी संजीवनी विद्या से उन्हें पुनर्जीवित करते जा रहे थे। अब पुनर्जीवित होकर कुंभज वगैरह दैत्य जो बहुत बलशाली थे वो फिर से युद्ध करने लगते थे। इस पर नंदी वगैरह महादेव से कहने लगे कि महादेव, जिन दैत्यों को हम मार गिराते हैं उन्हें दैत्य गुरु संजीवनी विद्या से फिर से जीवित कर देते हैं, अगर ऐसा होता रहा तो हमारे बल और पौरुष का क्या होगा, महत्व क्या रह जाएगा। इसके उपाय के तौर पर महादेव ने दैत्य गुरु को अपने मुख से निगल लिया और उदर में स्थापित कर लिया। उदर में जाकर मतलब पेट में जाकर कवि ने शंकर की स्तुति आरंभ कर दी, जिससे प्रसन्न होकर महादेव शिव ने उनको बाहर निकलने की अनुमति दे दी। पर कवि भार्गव श्रेष्ठ को बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। पूरे एक साल यानी एक दिव्य वर्ष तक महादेव के पेट में ही वो विचरण करते रहे। कोई और छोर नहीं मिला तो फिर शिव की स्तुति करने लगे। बार बार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने उनकी सुन ली और हंसकर कहा कि मेरे उदर में रहने के कारण तुम मेरे पुत्र हो गए हो। महादेव ने कवि को अपना पुत्र बताया और उन्हें इसके बाद नाम मिला शुक्राचार्य का, और ज्योतिष शास्त्र में इस शुक्राचार्य को ही शुक्र का स्वामी माना जाने लगा। शुक्र के तुला राशि में होने वाले गोचर का असर सभी 12 राशियों पर आपको देखने को मिलेगा। तो लीजिए जानिए कि शुक्र का गोचर किनके लिए रहेगा शुभ फलदायी और किनके जीवन में लाएगा कठिनाई, थोड़ी सी ही होगी लेकिन होगी जरूर। सबसे पहले बात मेष राशि की कर लेते हैं। अगर आपकी कुंडली में लग्न भाव में नंबर 1 यानी 1 लिखा है तो आप मेष लगन के हैं। लगन राशि नहीं कह रही, मैं लगन कह रही। अगर नहीं लिखा है तो आप दूसरी लगन के हैं, आप वृष मिथुन वगैरह लगन के हो सकते हैं। लेकिन इससे परे अगर आपका चंद्रमा उस भाव में है जिसमें 1 लिखा है तो आप मेष राशि के हैं। मेष वालों, शुक्र के इस गोचर के दौरान शुक्र आपकी राशि से 7वें भाव में स्थापित रहेंगे। शुक्र के इस गोचर का विशेष प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र पर देखने को मिल सकता है और इस दौरान कार्यस्थल पर आपके ओहदे में वृद्धि होगी, आप अपने सहकर्मियों के बीच एक हीरो बनकर उभरेंगे। हालांकि इसमें इस गोचर अवधि के दौरान आपको कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना है, जैसे कि कार्यस्थल पर किसी से बहस में ना पड़िएगा, इससे आपकी छवि को नुकसान पहुँच सकता है। मेष राशि के पुरुष जातकों को इस दौरान शुक्र ग्रह के सकारात्मक परिणामों के लिए
खास तौर से महिलाओं का सम्मान करना जरूरी है। महिलाओं का सम्मान आपको यूं भी करना चाहिए। सेहत की बात अगर करनी है तो गोचर काल में आप अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशान रह सकते हैं, लिहाजा सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा। ऐसे भी मौसम बदलने का वक्त रहेगा तो आपको कुछ मौसमी बीमारी परेशान कर सकती है। किसी भी स्थिति में स्वास्थ्य को अनदेखा मत कीजिएगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके लिए ये गोचर निम्न और उच्च दोनों ही परिणाम लेकर आ सकता है। जहां एक तरफ वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का साथ मिलेगा तो दोनों के बीच प्यार और रोमांस का भाव भी पैदा होगा, दूसरी तरफ कोई बात आपके बीच मतभेद का कारण भी बन सकती है। वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रेम जीवन की बात कर लें तो आपका पार्टनर आपके साथ प्रेम विवाह करने में जो कठिनाइयां आ रही थी उसे दूर करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये कोशिश फिलहाल नाकाफी होगी, कोशिशें आगे भी करते रहनी होगी। हालांकि शुक्र का गोचर आपके लिए कुल मिलाकर देखिए तो मध्यम फलदायी सिद्ध होने वाला है। उपाय अगर जानना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि शुक्रवार को सफेद चंदन दान करना है आपको, और इससे शुक्र ग्रह के जो हानिकारक प्रभाव हैं जिससे आपको हानि पहुंच रही है या आपके काम नहीं बन रहे हैं उससे आपको निजात मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। देखिए वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह को एक नैसर्गिक शुभ ग्रह के रूप में माना जाता है, जिसका प्रभाव अमूमन जातकों के जीवन पर सकारात्मक रूप से ही पड़ता है, लेकिन जब नकारात्मक पड़ता है तो वो नकारात्मक ही हो जाता है। इस ग्रह को विशेष रूप से सौंदर्य, इसके अलावा कला प्रेम और कई सांसारिक सुखों का कारण माना जाता है। मतलब कलयुग में अगर कोई ऐसा देव है, कोई ऐसा ग्रह है जो आपको सारी लग्जरी देता है, सारे ऐश्वर्य, सारे वैभव देता है, तो वो शुक्र भी है। इसके अलावा राहु भी है, लेकिन बात चुके शुक्र की हो रही है तो फिलहाल हम शुक्र की बातें करते हैं। यदि व्यक्ति की कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है तो ऐसे जातक को विशेष रूप से जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन आलीशान रूप से बीतता है। कुंडली में शुक्र की स्थिति अनुकूल होने से जातक को प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसके साथ ही उन्हें विदेश यात्रा, वाहन, कई लग्जरी चीजों का सुख भी मिल जाता है। दूसरी तरफ किसी की कुंडली में अगर शुक्र की स्थिति कमजोर है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कड़ी मेहनत की दरकार होती है, इसके बावजूद भी जो सुख है वो बहुत ज्यादा वो नहीं पाते हैं। और नकारात्मक प्रभावों को अगर समझिएगा तो इससे कुछ यौन रोग हो सकते हैं, कुछ त्वचा के रोग हो सकते हैं। यदि कुंडली में शुक्र की स्थिति अनुकूल नहीं होती तो आपको शुक्र की शांति के उपाय करने चाहिए, इनको प्रसन्न करने के उपाय करने चाहिए। 2019 में शुक्र के तुला राशि में होने वाले गोचर से जिन राशियों पर प्रभाव पड़ने वाला है उसमें अगली बारी है वृषभ राशि की। तो इस गोचरीय अवधि के दौरान शुक्र आपकी राशि से छठे भाव में होंगे। इस गोचर के दौरान आपको विशेष रूप से अपनी सेहत का ख्याल रखना है। आपके लिए बेहतर होगा कि इस दौरान अपनी सेहत का खास तौर से ख्याल रखें, खान पान की आदतों में सुधार कर लीजिएगा। स्वास्थ्य जीवन के लिए स्वास्थ्य आहार और जीवन शैली अपनाना विशेष रूप से अहमियत रखता है, तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाना है। गोचर की इस अवधि में आपके शत्रु आपके खिलाफ कोई ऐसी चाल चल सकते हैं जिससे आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, अलर्ट रहिएगा। इस दौरान आपको विशेष रूप से उनसे भी सावधान रहने की जरूरत होगी जो आपके थोड़े गुप्त रूप के शत्रु होंगे। किसी भी हाल में अपने शत्रुओं को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा। परिस्थितियां अगर प्रतिकूल होती जाए तो आप शांत हो जाइएगा। कई दफे ऐसा होता है कि आपको बहाव के साथ ही बहना रहता है, इससे आपको ज्यादा तकलीफें नहीं होती। अगर आप विवाहित हैं तो शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आपको वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। अपने अहम को भी अपने रिश्ते के बीच मत आने दीजिएगा, नहीं तो विपरीत प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप किसी व्यापार से जुड़े हैं तो इस गोचर काल के दौरान आपके बिजनेस पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मन मुटाव हो सकता है। जहां तक आर्थिक जीवन का सवाल है तो इस गोचरीय अवधि में आपको फालतू चीजों पर खर्च करने से बचना होगा, नहीं तो बजट गड़बड़ा जाएगा। इस समय क्या कीजिएगा कि पैसों की बचत पर फोकस कीजिएगा। पैसों को कैसे सेव करना है इस दौरान आपको ये करना होगा, नहीं तो फिर आप आर्थिक तंगी के शिकार हो जाइएगा। इस गोचरीय अवधि के दौरान यदि आप किसी यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो उसे कुछ समय के लिए टाल दीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। इस समय यात्रा पर जाने के लिए आपको कुछ नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, इसलिए ऐसा कह रही हूँ। कार्यक्षेत्र में किसी महिला के साथ विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। इस गोचर काल के दौरान कार्यस्थल पर आपको विशेष रूप से मेहनत करनी होगी और
इसी मेहनत का फल आपको सफलता के रूप में मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए इस समय आप बैंक से लोन ले सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर सामान्य रूप से फलदायी साबित हो सकता है, बशर्ते कि आप कुछ उपाय कर लें। शुक्र के हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए किसी मंदिर चले जाएं, वहां पर पंडित जी की स्त्री हैं, उन्हें आप इत्र भेंट करते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। महिलाओं का सम्मान करते रहना है आपको। अगली बारी है मिथुन राशि की। इस गोचर के दौरान शुक्र आपकी राशि से पांचवें भाव में स्थापित होंगे। आपके लिए शुक्र के गोचर का ये जो वक्त है वो विशेष रूप से सकारात्मक प्रभाव देने वाला साबित होने वाला है। निजी स्तर पर इस दौरान आप अपने विरोधियों को पराजित कर देंगे। आर्थिक स्तर पर देखिए तो इस गोचर काल के दौरान आप अपने पुराने कर्जों को चुकाने में सफल हो जाएंगे। किसी करीबी से लिया गया उधार या बैंक से लिया गया लोन इस दौरान आप चुका दीजिएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखिए तो इस गोचरी अवधि में आपको अपनी सेहत का खासा ध्यान नहीं रखना होगा, क्योंकि इसमें सुधार होता आपको दिखेगा। शारीरिक रूप से आप खुद को बिल्कुल फिट महसूस करेंगे और आपको एक विशेष ऊर्जा की अनुभूति होगी। मिथुन राशि के वैसे छात्र जो उच्च शिक्षा पाने के लिए विदेश जाने की योजना कर रहे हैं, उन्हें गोचर की इस अवधि के दौरान सफलता मिल सकती है। दूसरी तरफ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर लव लाइफ की बात करें तो आपके जीवन में शुक्र के इस गोचर के दौरान लव और रोमांस की बारिश होने वाली है। इस दौरान आप अपने पार्टनर के साथ कोई फिल्म देख सकते हैं, कैंडल लाइट डिनर प्लान कर सकते हैं। शुक्र के गोचर की ये अवधि आप दोनों के बीच प्यार के रिश्ते को और मजबूत बनाने का काम करेगी। यदि आप विवाहित हैं तो इस समय आपको अपने जीवन साथी की तरफ से कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिससे जीवन में खुशियां ही खुशियां छा जाएंगी। दूसरी तरफ अगर आप नवविवाहित जोड़े हैं तो आपको इस गोचर के दौरान संतान सुख की भी प्राप्ति हो सकती है। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर विशेष फलदायी साबित होने वाला है। उपाय के तौर पर आपको करना ये है कि मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। इस मंत्र का एक माला जाप कर लें, शुक्रवार को जाप करें सुबह सुबह तो ज्यादा फायदा होगा। मिथुन के बाद जिस राशि का नंबर है वो है कर्क राशि। शुक्र के इस गोचर के दौरान आपकी राशि से चौथे भाव में ये विराजमान होंगे। शुक्र के इस गोचर काल में आपको जीवन के कई क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। सबसे पहले यदि बात पारिवारिक जीवन की कर लें तो इस दौरान परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ आपकी काफी समय के बाद कुछ पल सुकून के आप बिता पाएंगे। इस दौरान परिवार में किसी मांगलिक कार्य का भी आयोजन हो सकता है। आर्थिक जीवन कैसा बीतेगा ये भी आप जानना जरूर चाहेंगे तो इस दौरान आप सुख समृद्धि पाइएगा। इस समय आप अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। साथ ही गोचर काल में नई गाड़ी भी आप खरीद सकते हैं। गाड़ी के अलावा आप घर की सजावट पर भी कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं। चूंकि त्योहार का मौसम आ जाएगा तो उस दौरान आप कुछ खर्चे करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा। आर्थिक आधारों पर शुक्र का ये गोचर आपके लिए विशेष फायदेमंद साबित होने वाला है। इनकम होगी तो आप उसको खर्च कीजिएगा, बजट में रह के कीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो कार्यस्थल पर आपका किसी के साथ मतभेद हो सकता है। हालांकि यदि आप किसी विशेष कठिनाई का सामना कर रहे हों तो गोचर की इस अवधि में आपको कोई सहकर्मी मदद के लिए सामने से आकर ऑफर भी कर सकता है, लेकिन बहस की स्थिति मत आने दीजिएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखिए तो ये गोचर काल आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इस दौरान आपको अपनी सेहत में विशेष सुधार देखने को मिल सकता है। सेहत को लेकर आप पहले से ज्यादा सजग रहेंगे और नियमित रूप से एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने से हिचकेंगे नहीं। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर सामान्य फल से कुछ ज्यादा देने वाला साबित होगा। शुक्र ग्रह के हानिकारक प्रभाव से अगर आप कर्क राशि वाले बचना चाहते हैं तो भगवान शिव की आराधना कीजिए और उन्हें सफेद पुष्प चढ़ाइए। चूंकि आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्रमा शिव के मस्तक पर विराजमान होता है तो आप शिव की आराधना करेंगे, इससे आपका चंद्रमा आपके लिए अनुकूल फल देने को बाध्य होगा। अगली राशि सिंह राशि। इस गोचर के दौरान शुक्र आपकी राशि से तीसरे भाव में स्थापित होंगे। आपके लिए गोचर की ये अवधि खास तौर से आपकी साहस, इच्छा शक्ति और काम करने की क्षमता को बहुत प्रबल बनाने वाली है। इस गोचर काल में आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे और किसी को अपने ऊपर हावी कतई नहीं होने देंगे। यूं भी आप सिंह राशि के हैं तो आपके शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाते हैं। शुक्र के इस गोचर के दौरान आपका विशेष रुझान धार्मिक कार्यों की तरफ हो सकता है। कई धर्मों को जानने में आपकी विशेष रुचि रहती है और इस दौरान ये रुचि बढ़ जाएगी। इस दौरान आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। पारिवारिक स्तर पर देखिए तो गोचर की इस अवधि के दौरान आपके भाई बहनों को विशेष क्षेत्रों में लाभ मिल सकते हैं।
परिवार में इस समय खुशियों का माहौल आप पाएंगे। घर में सदस्यों के बीच परस्पर प्रेम का भाव आपको देखने को मिलेगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो इस गोचर काल में आप नौकरी परिवर्तन की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि नौकरी बदलने का फैसला अच्छी तरह से सोच समझ कर लीजिएगा। पहले नई नौकरी हाथ में आ जाए तभी दूसरी पहली नौकरी छोड़िएगा। दूसरी नौकरी के लालच में या ऑफर लेटर नहीं लिया हो और पहली नौकरी छोड़ दी, ऐसा मत कीजिएगा। इसके साथ साथ कार्यस्थल पर आपको अपने सहकर्मियों से भरपूर सहयोग भी मिलता दिखेगा। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको सरकार की तरफ से किसी विशेष लाभ की प्राप्ति होने की भी उम्मीद है। सामाजिक स्तर पर देखें तो शुक्र के इस गोचर काल में आपके सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी और आप समाज के प्रभावशाली लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने में सफल होंगे। इस गोचर काल में आपको खास तौर से भाग्योदय आप महसूस करेंगे। बहरहाल आप जिस काम को करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। यदि आप सिंगल हैं तो शुक्र के इस गोचर के दौरान आपके जीवन में किसी खास का आगमन हो सकता है। सिंह राशि के जातकों के लिए गोचर की ये अवधि विशेष फलदायी साबित होने वाली है। उपाय जानना चाहते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, गाय को चारा खिलाइए और पूजा कीजिए, इससे आपको विशेष लाभ मिल सकता है। मेडिटेशन भी चाहे तो कर सकते हैं, ये आपके दिमाग को शांत रखेगा। अगली राशि कन्या राशि, तो इस गोचरी अवधि के दौरान शुक्र आपकी राशि से दूसरे भाव में विराजमान होंगे। शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आपको आर्थिक रूप से विशेष लाभ मिल सकते हैं। इस दौरान आपको किसी विदेशी स्रोत से भी लाभ मिलने की पूरी संभावना बनती है। गोचर की इस अवधि में यदि आप शेयर मार्केट या रियल एस्टेट में निवेश करने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिएगा, आपको भरपूर लाभ मिलने की यहाँ पे संभावना है। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखिए तो इस गोचरीय अवधि में आपको पारिवारिक स्तर पर विशेष लाभ मिल सकते हैं। परिवार में किसी मांगलिक कार्य का समापन हो सकता है। यदि किसी को संतान सुख की प्राप्ति के जैसे संकेत थे तो संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी। कुल मिलाकर देखिए तो परिवार में इस दौरान केवल खुशियों का माहौल रहेगा। इस गोचर काल के दौरान किसी महिला मित्र से आपको विशेष लाभ मिलते दिख रहे हैं। यदि आप भोजन प्रिय हैं यानी आप फूडी हैं, तरह तरह का खाना आपको पसंद है तो इस समय आपके पसंदीदा भोजन करने का भी अवसर आपको मिल सकता है। शुक्र ग्रह के सकारात्मक प्रभाव से आपकी भाषा शैली में गजब का परिवर्तन आप महसूस करेंगे। इस वजह से आप दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित करने में सफल रहेंगे। यूं भी लोग आपकी बातों से प्रभावित होते हैं लेकिन इस दौरान वो ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे। कन्या राशि के स्टूडेंट्स इस दौरान अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने की पूरी उम्मीद रख सकते हैं। बच्चों को अपने पिता का भरपूर साथ मिलेगा और उनके आशीर्वाद से जीवन में ये अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे। गोचर की इस अवधि में आपकी रुचि कला क्षेत्र में बढ़ सकती है। आप अभिनय, नृत्य या गायन के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमा सकते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए कुल मिलाकर देखिए तो ये गोचर लाभदायक साबित होने वाला है। उपाय जानना चाहते हैं तो शुष्क चावल यानी कि सूखे चावल अक्षत हों तो भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना कीजिए, उन्हें अक्षत चढ़ाइए, इससे आप शुक्र के हानिकारक प्रभाव से बच सकते हैं। कन्या के बाद बारी तुला राशि वालों की। चूंकि शुक्र का गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है लिहाजा ये आपकी राशि से प्रथम भाव यानी लग्न भाव में स्थित होंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए ये गोचर विशेष फलदायी साबित होना है। इस दौरान अपनी सेहत पर खासा ध्यान दीजिएगा और किसी भी चीज की अति मत कीजिएगा क्योंकि हर चीज की अति हमेशा नुकसानदायक साबित होती है। इस गोचरी अवधि में व्यक्तिगत स्तर पर आपका विकास होगा, इसके परिणाम स्वरूप जीवन के कई क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। आप अपने शत्रु पर हावी रहेंगे और उन पर आपका डर कायम रहेगा। हालांकि इस दौरान आपके मन में कुछ ऐसे वासनात्मक विचार आ सकते हैं लेकिन उसे आपको नियंत्रण में रखना होगा। ये बातें मैं इसलिए बता देती हूँ ताकि आपको पता रहे कि आपको क्या करना है और किन चीज़ों से बचना है। आपको इससे इसलिए भी बचना है क्योंकि आपकी छवि खराब ना हो। यदि आप विवाहित हैं तो आप इस गोचर काल के दौरान आपको संतान सुख मिल जाएगा। वहीं जो जातक अविवाहित हैं उनके विवाह के योग बन रहे हैं। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उन्हें इस दौरान अपने माता पिता से आप मिलवा सकते हैं, सही वक्त है। गोचरी अवधि के दौरान आपकी रुचि धर्म कर्म के काम में भी विशेष रूप से होगी और आप जीवन में सुख समृद्धि पाएंगे। यदि आप किसी बिजनेस से जुड़े हैं तो इस गोचर काल में आपके व्यापार से आपको खासा लाभ मिल सकता है। तुला राशि के स्टूडेंट्स को परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे और इस समय आपको पुरजोर मेहनत इसके लिए करनी होगी। आपके लिए शुक्र का ये गोचर सामान्य से ज़्यादा फलदायी साबित होने वाला है। उपाय जानना चाहते हैं तो एक मंत्र का जाप कीजिएगा, ये मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। 108 दफे इस मंत्र का जाप करना, एक माला जाप कर लीजिएगा शुक्रवार की सुबह में या शाम में भी चाहे तो कर सकते हैं, इससे आप शुक्र के हानिकारक प्रभाव से बच सकते हैं।
वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर कैसा रहने वाला है तो लीजिए जान लीजिए। 12वें भाव में विराजमान होंगे शुक्र। गोचर की इस अवधि के दौरान आपको किसी विदेशी स्रोत से फायदा मिल सकता है। इसके साथ ही इस दौरान आप अपनी पसंदीदा जगह पर घूमने जा सकते हैं। अब अगर आप फिनेंशियल बेस पर देखिएगा तो शुक्र के इस गोचर में एक तरफ आपके खर्चों में इजाफा होगा तो दूसरी तरफ आप भौतिक सुखों का लाभ भी उठा पाएंगे। ऐसा कहा जा सकता है कि इस अवधि में आपको विशेष रूप से आर्थिक स्तर पर एक संतुलन बनाकर चलना होगा। हालांकि कई स्रोतों से कई सोर्सेस से आपको फिनेंशियल गेन्स होंगे और धन वृद्धि की प्रबल संभावना भी दिख रही है, लेकिन पैसे जैसे आएंगे वैसे चले भी जाएंगे। तो जहां जाना है उस जगह का निर्धारण आप कर लीजिएगा, क्योंकि वो जगह ऐसे नहीं हो जहां पर पैसे आपके वेस्ट हो जाएं, इस्तेमाल हो जाएं तो वो ज्यादा अच्छा होता है ना। लिहाजा यदि आप एक हाथ से धन का व्यय कर रहे हैं तो दूसरे हाथ से आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में विपरीत लिंग यानी कि अपोजिट सेक्स से आपकी दोस्ती बढ़ेगी, इससे आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। कार्यस्थल पर ही आपको ऐसे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यदि आप किसी बिजनेस से जुड़े हैं तो इस अवधि में आपके बिजनेस में इजाफा करने के लिए विदेशी यात्रा आप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के विवाहित जातकों को गोचर की इस अवधि में वैवाहिक जीवन का भरपूर लाभ मिलेगा और जीवन साथी के साथ सुखी जीवन का आप आनंद उठा पाएंगे। हालांकि इस दौरान आपको खास तौर से जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की भी जरूरत होगी, वो किसी भी तरह के शारीरिक कष्ट से गुजर सकते हैं। प्रेम जीवन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपके लिए शुक्र का ये गोचर कुछ खास अच्छा नहीं है। इस अवधि में आपके पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। इस स्थिति से निकलने के लिए आपको विशेष रूप से पार्टनर के साथ विवाद की स्थिति से बचना होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर मध्यम फलदायी सिद्ध होने वाला है। उपाय अगर करना चाहते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, कन्याओं को खीर खिलाइए, इनकी उम्र 11 साल से कम की होनी चाहिए। अब बारी धनु राशि की। इस गोचरी अवधि में शुक्र आपकी राशि से 11वें भाव में स्थापित हैं, यानी कि ये आपके आय भाव में होंगे। तो शुक्र का ये गोचर आपके लिए आर्थिक रूप से खास तौर से लाभदायक साबित होने वाला है। इस दौरान जीवन में सुख समृद्धि आप हर कुछ पाएंगे और कई भौतिक सुखों का लाभ आप उठा पाएंगे, जिसके लिए आप कब से इंतजार कर रहे थे। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को विशेष रूप से सराहा जाएगा और इसके फलस्वरूप आपके आय में वृद्धि हो सकती है। आप जिस काम को अपने हाथ में लेंगे उसे विशेष रूप से आपको सफलता हासिल हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपके सीनियर्स आपके काम से खुश होंगे और आपकी तारीफ करते थकेंगे नहीं। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो इस गोचरी अवधि में आप अपने पार्टनर के साथ बेहद रोमांटिक पल बिताने वाले हैं। इस दौरान आपके बीच प्रेम और सौहार्द की भावना में इजाफा होगा। आप चाहे तो इस वक्त घर वालों से शादी की बात भी कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक स्तर पर जीवन साथी के साथ अच्छा वक्त बीतने के अवसर आपको मिलेंगे। इस दौरान अपोजिट सेक्स के साथ आपकी नई दोस्ती होगी और जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने में आपको उनका भरपूर साथ भी मिलेगा। कुल मिलाकर देखिए तो धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर मिला जुला परिणाम से ज्यादा देने वाला साबित होगा। हानिकारक प्रभाव से अगर बचना है, शुक्र को काबू में करना है, उनको प्रसन्न करना है, उनका आशीर्वाद लेना है तो मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि के लिए, और मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप कैसे पाइएगा तो श्री सूक्त का आप जाप कीजिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। अगली राशि है मकर राशि। तो इस गोचरीय अवधि में शुक्र आपकी राशि से 10वें भाव में स्थापित होंगे, यानी कि कर्म भाव में। गोचर की ये अवधि आपके लिए खास तौर से कार्यक्षेत्र में कुछ बाधा उत्पन्न कर सकती है। इस दौरान आप काम में तो पूरी मेहनत दिखाएंगे, लेकिन आपको जिस मेहनत के अनुरूप आप परिणाम चाहते हैं उसमें थोड़ी कमी दिखेगी। इस गोचर काल के दौरान आप अपने वर्तमान जॉब में परिवर्तन कर सकते हैं। हालांकि जॉब चेंज करने से पहले आपको इस बारे में अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना होगा। पारिवारिक स्तर पर अगर देखिए तो बच्चों के साथ किसी बात को लेकर आपका मन मुटाव हो सकता है। बच्चों की भावनाएं आहत ना हो इसका ख्याल रखिएगा। करना कुछ नहीं है, आपको उनके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार रखना है। पारिवारिक वातावरण में शांति बनाए रखने के लिए सदस्यों से मतभेद की स्थिति पैदा मत होने दीजिएगा। गोचर की इस अवधि में आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके दुश्मन आप पर कुछ हावी हो सकते हैं। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि उनसे उलझने की बजाय उन्हें नजरअंदाज कीजिए, क्योंकि खामोशी बहुत बड़ा हथियार होती है किसी को भी जवाब देने के लिए। मकर राशि के जो पुरुष जातक हैं उन्हें विशेष सलाह है कि इस दौरान खास तौर से महिलाओं का सम्मान कायम रखिएगा, करते रहिएगा। पारिवारिक जीवन की अगर बात आपको जाननी है तो सुख शांति का माहौल रहेगा, हालांकि आपको इस के लिए थोड़ी मेहनत करते रहनी होगी। परिवार के सदस्यों के साथ आप अच्छा वक्त व्यतीत कर पाएंगे अगर आप बैलेंस बनाकर चलें।
दो। प्रेम जीवन की बात अगर आप जानना चाहें तो इस दौरान आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि ये वजह ऐसी होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यदि आप शादीशुदा हैं तो वैवाहिक स्तर पर आपको कुछ मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस से जुड़े हैं तो आपको व्यापार में किसी तरह की बाधा का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार का इजाफा करने के दौरान किसी सरकारी अधिकारी के साथ आपके मतभेद तक हो सकते हैं। तो लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ का अभी डाउन फेज यही वाला है और ये ज्यादा वक्त तक नहीं रहेगा, इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। माँ दुर्गा की आराधना कीजिएगा, आप शुक्र के हानिकारक प्रभावों से बच जाइएगा, आपके साथ चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन आप जो आराधना कीजिएगा, जो पूजा कीजिएगा, वो शुद्ध मन से और याचक मन से कीजिएगा, आपको जरूर लाभ होगा। अगली राशि है कुंभ राशि। शुक्र के तुला राशि में गोचर करने के दौरान आपकी राशि से ये नवम भाव में स्थित होंगे। शुक्र के इस गोचर के दौरान आपके जीवन में कई क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। इस दौरान आप परिवार या मित्रों के साथ किसी लंबी दूरी की यात्रा पर चले जाइएगा, आपके लिए यात्रा कई तरह से फलदायी साबित होने वाली है। सोशल लेवल पर आप देखिए तो इस दौरान आपको मान सम्मान मिलेगा और सोसाइटी में कुछ प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आ पाइएगा। इस दौरान आपका इंटरेस्ट धार्मिक कार्य की तरफ ज्यादा दिखेगा, किसी प्रसिद्ध मंदिर में आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी, लेकिन इसमें आपको किसी महिला सहकर्मी की मदद की जरूरत होगी। हिचकिचाइएगा मत, अगर मदद मिल रही हो तो ले लीजिएगा, नहीं मिल रही हो तो मांग लीजिएगा। यदि आप किसी सरकारी नौकरी में हैं तो इस गोचर काल के दौरान आपको सरकार की तरफ से भी विशेष लाभ मिल सकते हैं। यदि आप लंबे समय से किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के कयास लगाए बैठे हैं तो इस दौरान आपको उस काम में सफलता मिल सकती है। उम्मीद यह है कि इस विशेष क्षेत्र में आपको स्थिर लाभ की प्राप्ति हो। यदि आप विवाहित हैं तो गोचर की अवधि के दौरान आपको अपने जीवन साथी से भरपूर लाभ मिलेगा और आपका वैवाहिक जीवन भी पूरे आनंद से बीतेगा। अगर लव लाइफ की बात जानना है तो शुक्र का ये गोचर आपके लिए शुभ फलदायी साबित होने वाला है। आपके पार्टनर के साथ इस दौरान किसी रोमांटिक डेट आप प्लान कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर खास तौर से लाभकारी साबित होने वाला है। अगर आप इससे भी ज्यादा लाभ चाहते हैं तो छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लें, उनको भोजन कराएं, उनको उपहार दें, आपको आशीर्वाद मिलेगा। आखिरी राशि मीन राशि। इस गोचर के दौरान शुक्र आपकी राशि से आठवें भाव में विराजमान होंगे। मीन राशि के जातकों को इस गोचर के दौरान अपनी यौन इच्छाओं पर काबू रखने की जरूरत है। बिजनेस या शिक्षा के लिए लंबी यात्रा पर जाने के यहाँ संकेत दिख रहे हैं। माता जी के स्वास्थ्य में कुछ आपकी गिरावट आ सकती है, लिहाजा उनकी सेहत का आपको ख्याल रखना है। उपाय जानना चाहते हैं तो गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाएं, इससे आपके जीवन में खुशियां आएंगी। ज्योतिषीय सलाह के लिए आप चाहें तो एस्ट्रो सेज पर कॉल कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ आपको ज्योतिषीय सलाह देंगे। और किसी तरीके की आपको कुंडली से जुड़ी जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगली नोटिफिकेशन पर फौरन लौटें, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।